सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में राजस्थान से संबंधित जो नई बातें हैं उनमें आपके क्वेश्चंस को ढूंढने का प्रयास करेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आपके एग्जाम में वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूं आपसे, क्योंकि मेरे उम्मीदों में जो सबसे ऊपर है वो आपका स्थान है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं और हम जो भी आपको क्वालिटी दे रहे हैं ये क्वालिटी यदि आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर। इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा और मेरी बात का जो प्रारंभिक बिंदु है वो आपकी एक समस्या है। आपकी एक समस्या है कि सर हम कहां से स्टार्ट करें, जीके को पढ़ना हम कहां से स्टार्ट करें। जैसे आज किसी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, आज जो नया बच्चा है वो जुड़ा हुआ है, तो वो कहां से स्टार्ट करें, ये बड़ी एक समस्या होती है। तो दोस्तों इस बारे में आपको मैं इतना ही कहूंगा कि फिलहाल तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए जहां से आपने इसको स्टार्ट किया है। मतलब जैसे यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो आज से ही चालू करें। इसी दिशा में मैं एक प्रयास लेकर आया हूं, इस समस्या का निवारण लेकर आया हूं। और निवारण ये है कि मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन करूंगा और ये आपका ऑनलाइन रिवीजन होगा। लेकिन वही बात है कि यदि मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा तो मैं पुराने लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपने नहीं देखे हैं। देखे हैं तो कोई समस्या नहीं, यदि कोई नहीं देखे हैं तो अब सारे लेक्चर तो आपके काम के हैं नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मई 2020, अब इसमें मैंने कुछ लेक्चर प्रोवाइड करवाए थे, अब इसमें जब मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाए, आप यदि उस लेक्चर को अब पढ़ते हो तो हो सकता है उसमें कुछ बदलाव आ गया हो। एक साल हो गया ना आज, हो सकता है बदलाव आ गया हो। अब यदि आप उस बदलाव को नहीं जानोगे तो फिर आपका ये तरीका गलत हो जाएगा। इसी दिशा में मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको डेली एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा राजस्थान जीके, हालांकि इंडिया जीके में भी मैं ये लिंक प्रोवाइड करवाया मैंने आज WHO का, उसको भी आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हो। यहां पर राजस्थान जीके से संबंधित जो मेरा पुराना वीडियो है उसका मैं लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा। अब उस लिंक की विशेषता क्या होगी कि यदि उसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई उसमें ये परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, वो पहले तो सही था अब सही नहीं है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। जैसे आज से ही मैं इस नीति को स्टार्ट कर रहा हूं तो आज मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दू। और जो लिंक है उसका संबंध कैलीग्राफी से है। कैलीग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। कैलीग्राफी आपको मैं कैलीग्राफी का एक लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब जिस बच्चे ने ये लिंक पहले देखा है उसको तो देखने की जरूरत नहीं है, यदि वो आवश्यकता महसूस करे तो रिवीजन जरूर कर सकता है। लेकिन जो बच्चा नया है वो आज का लेक्चर भी पढ़े और ये लिंक भी पढ़े, तो मतलब उसके लिए दो लेक्चर है, समझे बात को। तो आपने जो आज लेक्चर पढ़ने हैं ये दो लेक्चर पढ़ने हैं, जो नया बच्चा जुड़ रहा है या जिसने कैलीग्राफी के बारे में पढ़ा नहीं है, तो दो लेक्चर आपके राजस्थान करंट से संबंधित होंगे। अब जिस लिंक में मुझे परिवर्तन करना होगा आपको मैं वहीं पर बता दूंगा। जैसे इसमें क्या परिवर्तन करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब यदि यहां पर परिवर्तन करना होता तो मैं आपको क्या करता, बता देता, समझे बात को, तो मैं आपको बता देता। तो मैंने
ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवाया है, आप इसको भली भांति देख सकते हो और आज का करंट हम कर ही रहे हैं। सेम यही सिस्टम इंडिया जीके में हम कर रहे हैं, सेम यही सिस्टम। जैसे आज जो मैंने आपको 6 मई 2021 की जो लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने WHO का लिंक उपलब्ध करवाया है। अब उसमें जो लिंक मैंने आपको उपलब्ध करवाया है उसमें क्या है, मैंने बता रखा है 7 अप्रैल 2020 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम। अब वो तो आपके काम की है नहीं, तो मैंने आज के लेक्चर में बता दिया कि उस थीम को बदल देना, ये लिख देना। मेरी बात समझ में आई आपके, क्लियर हुई सारी बातें? तो ऐसे करके हम करंट जीके को रिवाइज भी करेंगे और प्लस जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन्हें भी फायदा होगा और वो इस गुथम गुथा में नहीं रहेंगे कि हमें अब करना क्या है, कहां से स्टार्ट करना है। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो आज से ही स्टार्ट कर लें, उनका जो पुराना होगा वो मैं समय समय पर रिवाइज करवाता रहूंगा इसके माध्यम से। तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी समस्या का निवारण हो चुका है, फिर भी कोई समस्या हो, आपको लगे कि क्या चल रहा है, तो 9950061573 इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये सब आपके लिए ही है, आपकी तैयारी के लिए है। लॉकडाउन में जो भी सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम से निपटने की दिशा में हमने ये कदम उठाया है। तो मैं मान के चलता हूं आप मेरी बात समझ चुके हैं। अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं। देखिए आज की न्यूज क्या है, आज की ये न्यूज है कि चुनाव आयोग ने जो उपचुनाव है उनको स्थगित किए। लिख दीजिए, चुनाव आयोग ने भारत में उपचुनाव को स्थगित किया। उपचुनाव को स्थगित किया। अब आप देखिए ये जो उपचुनाव होने थे ये किन पर होने थे, एक तो लोकसभा सीटों पर होने थे और एक विधानसभा सीट पर होने थे। जो लोकसभा पे होने थे उसके लिए तो 3 सीट थी और विधानसभा के लिए 8 सीट थी। अब इन सीटों की तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये बात करनी है कि राजस्थान से कैसे संबंधित है। तो इसमें राजस्थान की वल्लभ नगर सीट शामिल है। यहां पर निधन हो गया था, कांग्रेसी नेता थे गजेंद्र सिंह सक्तावत। आप चाहो तो एक लाइन लिख दीजिए, कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह सक्तावत के निधन के कारण यह सीट रिक्त हो गई थी। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है, 200 में से केवल यह सीट रिक्त है, क्योंकि 3 सीट जो रिक्त थी उन पर तो चुनाव हो गए, उनकी बात हम कर चुके हैं। अब आप देखिए मैं यहां पर एक बात करने जा रहा हूं कि ये जो उपचुनाव होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं उपचुनाव। पहली बात तो ये जो उपचुनाव है क्यों होते हैं, या तो प्रत्याशी का निधन हो जाता है
या वह त्याग पत्र दे, त्याग पत्र दे। अब इनका निधन हो गया, त्याग पत्र हो गया, तो सीट क्या हो गई? रिक्त हो गई। अब यहां आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि उपचुनाव कब हो, तो सीट रिक्त होने के 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग को चुनाव करवाने होते हैं, लेकिन ये चुनाव स्थगित कर दिए गए। इनका अपना एक मूल कारण है, ये कोरोना के कारण किए गए। कोरोना संक्रमण के कारण ये किए। इस प्रकार का कदम यदि पहले के चुनाव में उठाया जाता तो शायद कोरोना की ब्याव स्थिति आज देखने को नहीं मिलती। यहां पर मैं वापस आता हूं, सीट रिक्त और 6 महीने। जिस दिन सीट रिक्त हुई है उसके बीच का अंतराल 6 महीने। इस अवधि में चुनाव करवाने आवश्यक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने होते हैं, कब से? सीट रिक्त होने के आगे के 6 महीनों तक। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जिस दिन सीट रिक्त होती है वहां से काउंटडाउन चालू हो जाएगा आगे के 6 महीने के। इस प्रकार के गुड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं यदि थोड़ी सी बात चुनाव आयोग की करूं तो आप देखिए 324 में इसका उल्लेख है, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये अभी नए बने हैं, सुशील चंद्रा। कई बार बातें हम करते रहते हैं चुनाव आयोग की। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी, इसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें उस समय मायूसी मिली, इस कारण से वर्तमान में ये काफी चर्चा में बना हुआ है। और चुनाव आयोग के बारे में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बखूबी पढ़ते हैं और समय समय पर जो भी बातें आती है आपको करवाता रहता हूँ। यहाँ राजस्थान के संबंध में इसको और ज्यादा विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक बार आप इसका सजीव सोच लें। एक हमारे सामने रिपोर्ट आई है, राजस्थान में बेरोजगारी, ये 28% बताई है इस काल कोरोना काल, और स्थान दिया है दूसरा, भारत में दूसरा स्थान है बेरोजगारी के मामले में, और पहला स्थान दिया है 35% के साथ हरियाणा। ये बात कही है, और ये बात कही गई है CMIE के द्वारा। हालांकि इंडिया जीके में इसको मैंने काफी विस्तार से बता दिया है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि CMIE ने राजस्थान को बेरोजगारी के मामले में दूसरा स्थान दिया है, पहला स्थान हरियाणा का है, और जो तीसरा स्थान है ये दिल्ली का है। ये जो CMIE है इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है आपने कि एक तो ये बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, इसका जो पूरा नाम है ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, इसने राजस्थान को दूसरा स्थान दिया है, बस इतनी बात आप ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लो
और इसने जो कारण बताया है मजदूरों का प्लान लॉकडाउन के दौरान, ये कारण बताया है, काफी है ये। 1776 में इसकी स्थापना हुई थी, विस्तार दो दो दे दीजिए, सॉरी 1776 नहीं 1976। तो दोस्तों राजस्थान के संबंध में आज जो न्यूज़ बन सकती थी उसको मैंने आधार बनाकर आपको कुछ बातें बताई है। मुख्य रूप से आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि राजस्थान में जो उपचुनाव होंगे वो वल्लभ नगर सीट पर होंगे, अभी ये सीट रिक्त है, कब होंगे ये आगामी सूचनाएं मिलने तक हम कुछ नहीं कह सकते। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको कैलीग्राफी का लिंक उपलब्ध करवाया है, आप अपनी जरूरत के आधार पर उसे देख सकते हो और नोट्स में शामिल कर सकते हो। जो पढ़ा रहा हूँ उसी को आपने पढ़ना है, इसके अलावा अन्यथा और चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं को यदि आप 15-20 बार पढ़ लोगे, रिपीट कर लोगे, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पूरा लक्ष्य प्राप्ति में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।